हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीपल यू टॉयज। मेरा नाम है मनोहर। आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आ गया एक स्विंग मशीन। काफ़ी टाइम पहले यार एक स्विंग मशीन लेके आया था मैं। उसमें क्या था कि वो जो है भाई धागे वगैरह से ना सिलाई करती थी, बट ये जो स्विंग मशीन है भाई, इसमें जो ऊन दिखाई दे रही है, मतलब क्या होने वाला है, ये स्वेटर बुनने वाली है क्या, मतलब क्या होने वाला है। इसके अंदर चार चार सुई लगी हुई है, मैंने देखा था बिल्कुल ध्यान से, चार सुई दिखाई दे रही है और पहले वाले भी थे सिर्फ एक सुई। बहुत ज़्यादा भाई एक्साइटमेंट है। बिना किसी देरी के जल्दी से ओपन करते हैं, इसके कंटेंट्स को निकालते हैं और देखते हैं भाई ये क्या सिलने वाली है, क्या इससे बनेगा और नहीं बनेगा तो मतलब क्या नहीं बनेगा। बिना किसी देरी के ओपन करते हैं इस बॉक्स को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए दोस्तों, आप बॉक्स को ओपन करते हैं, उससे पहले अगर डिटेल्स की मैं बात करूँ बॉक्स के ऊपर, तो ज़्यादा कुछ मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ एक चीज़ के कि यहाँ पे भाई एक मुझे बास्केटबॉल और रग्बी दिखाई दे रही है। क्या इसको हम बना सकते हैं, ये बड़े सोचने वाली बात होगी। पिक्चर तो हमारी मशीन का है ही प्यारा सा। पीछे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन हमें दी गई है, जिससे कि हमें फिलहाल अभी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें देखनी है मशीन कैसी है। यहाँ पे दिख रहा है कि भाई इसका प्राइस होना चाहिए, बट वो भी यहाँ पे कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ये एक दो तीन चार चार बैटरीज जो है इसके अंदर लगेंगी वो पता चलता है। और अब इसे हम ओपन करेंगे जल्दी से। ये कट टू ओबे वो कट और थ्री कट हो चुके हैं, ये कुछ इस तरह से। अब हम मशीन को निकालते हैं बाहर। ओह ओके, इसको एक बार के लिए मैं नीचे इस तरह से रख देता हूँ दोस्तों, ये आइटम्स को, और इस गत्ते को साइड करते हैं। नीचे कुछ और आइटम्स हैं, तो ये बॉक्स खाली हो चुका है, इसको साइड कर देते हैं। जल्दी से बताता हूँ आपको यहाँ पे मेरे पास में क्या क्या मिल जाता है दोस्तों। तो ये है इंस्ट्रक्शन का एक पेपर स्विंग मशीन का, जिसमें कि सारी चीज़ें जो हैं लिखी गई है। सही से पढ़ लेना भाई, इसके बाद ही आप कर सकते हो। और क्या क्या है मेरे पास में, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक पैकेट जिसमें कि कुछ कुछ सामान है। फटाफट से एक बार देख लेते हैं क्या क्या सामान है इसके अंदर। तो ये शायद से हमारी बास्केटबॉल का सामान है, इससे बनेगा बास्केटबॉल। ओके, यहाँ पर कुछ डॉल वॉल भी है, ये सिंड्रेला टाइप है, कुछ बाबी टाइप दिख रही है। और ये कुछ अच्छा, वो बास्केटबॉल नहीं थी शायद, बास्केटबॉल ये वाली है दोस्तों। वो क्या था फिर वो पे, अच्छा ये पिल्लो है दोस्तों, पिल्लो। और ये है रग्बी, रग्बी आपको दिख रही होगी, ये रग्बी के शेप की है। ये भी कुछ शेप्स हैं और भी अदर शेप्स मिल जाते हैं। और उसके लिए कॉटन भी हमको दिया गया है, इस कॉटन को फिल करना है उसके अंदर। और यहाँ पे हमको दिख रहा होगा कि दो ऊन मिल जाती है, बहुत छोटे छोटे बंडल्स है, और एक है पिंक कलर एक येलो कलर। इसका यूज़ समझ नहीं आ रहा फिलहाल मुझे, ये क्या करेगा फिलहाल बाद में देखेंगे। और ये है हमारी प्यारी सी मशीन। ओहो हो यार, बहुत मज़ा आ रहा है इसे देख के। और इसके अंदर चार चार सुई, कितनी सुई है, चार है कि छः, 1 2 3 4 5 6 भाई, सिक्स नीडल है इसके अंदर। और क्या क्या है, ये कुछ यहाँ से राउंड राउंड हिल रहा है और पीछे सेल लगाते हैं। तो जल्दी से एक बार बैटरी इसके अंदर डाल देते हैं, उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि भाई एक्चुअल में ये वर्क कैसे करेगी। इंस्ट्रक्शन पढ़ता हूँ, बैटरी डालता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इससे हम कैसे सिल सकते हैं।
तो दोस्तों मशीन चला के थे यार, बहुत मज़ा आया मुझे। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें दी गई थी, जैसे कि आपने देखा पर्स थे, सॉफ्ट टॉयज थे, पिलोज़ वगैरह, बॉल वगैरह थी। तो जो कुछ था मैंने लगभग सभी चीज़ें यहाँ पे यार ट्राई करी। और मुझे यहाँ पे ना यार एक चीज़ तो काफ़ी अच्छी लगी और एक चीज़ मतलब बहुत बेकार लगी। अच्छी तो ये थी कि भाई ये जो मशीन है ना, मतलब भाई ये बिना धागे की सिलती है, मतलब जो मटेरियल है भाई, मतलब उसी में कुछ धागा टाइप है जो जॉइंट कर दे रहा था, मतलब सुई में अलग से आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। और बेकार चीज़ ये लगी कि जो सिलाई हो रही थी भाई, वो जो इनविजिबल टाइप कह सकते हो आप भाई, वो बहुत कमज़ोर थी, कच्ची थी, मतलब टूट सी जा रही थी। तो बस यही चीज़ थी यहाँ पे रिव्यू करने के लिए। फिलहाल के लिए मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो के साथ में जल्दी ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।